Find fundamental period of the following questions. Find sine 7 theta by 2 plus 3 cos 15 theta by 4 minus 18 tan theta by 2 plus cos square 3 theta by 4. सर एक एक्सप्लेन कर सकते हो? तो सबका इंडिविजुअल पीरियड निकालो, फिर उसका एलसीएम रखो. सबका इंडिविजुअल पीरियड निकालो, फिर एलसीएम ले लो. Find out.
Then हो गया इसको मिला अब बता हो रहा है कि नहीं हो रहा है लास्ट टाइम बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं यस सर फ्रैक्शंस का भी बताता हूँ करो ना सर फर्स्ट वन का 8 है 8 आ रहा है सिर्फ 8 ऐसा नहीं होगा ना आइकन चला गया एक एक बताता हूँ साइन थीटा का पीरियड कितना 2 पाई टू पाई तो साइन 7 थीटा बाई 2 का पीरियड कितना होगा साइन 7 थीटा बाई 2 का पीरियड क्या होगा 2/7 × 2π ओके मतलब 2π/7/2 यही करते हो ना क्योंकि 7/2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा राइट 4/7 तो 4π/7 तो फर्स्ट का पीरियड हुआ 4π/7 लाइक सेकंड का 3 का कोई रोल नहीं है ओके हम जितना कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे ये करेंगे जब तक थीटा में चेंज नहीं होगा तब तक आपका पीरियड चेंज नहीं होगा ठीक ओके अच्छा कॉस का क्या रहेगा कॉस का पीरियड क्या होता है 2π तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 15 डिवाइड होगा 8/15 8π/15 राइट थर्ड का टेन का पीरियड कितना पाई तो ये 8π हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हुआ इधर 8 तो उधर मल्टीप्लाई होगा मतलब 8/1 कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर का पीरियड पाई पाई ये कितना होगा 4π/3π ठीक है तो फॉर्मूला क्या था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना 8π पाई आपका बाहर चला जाएगा पाई मतलब एवरीवेयर पाई ना तो यू कैन टेक कॉमन तो 4 8 8 4 उसका एलसीएम 8 8 पाई अलग से रहेगा 7 15 1 3 का जीसीडी और एचसीएल सर 1 तो आंसर होगा 8π नॉट 8 सर पाई का भूल गया तो वही बोला पाई कहाँ चला गया तुम्हें समझाइए नॉट डू अदर सर सेकंड का 10π थर्ड का सर जो हमने किया एलसीएम सबका वैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं नहीं ऐसा मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने नहीं बताया मैंने जो बताया था फॉर्मूला इफ इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द t1 एंड पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स इज द t2 देन मैंने बताया था कि some constant into f of x plus another constant into g of x इसका पीरियड होगा एलसीएम मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताया था तो मल्टीप्लिकेशन सब कभी रहेगा देन यू हैव टू मेक इन वन फॉर्म इसको सिंगल टर्म में कुछ कन्वर्ट करोगे देन उसी हिसाब से मिल गए सर फिर थर्ड का 2π होगा थर्ड का
टू पाई होगा कि फोर पाई स्क्वायर होगा? ऐसा नहीं होता कि मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं। मैंने क्या बताया, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, आइदर साइन और ओनली कॉस और ओनली टैन जो भी कुछ है, तो उसी हिसाब से फिर तैयार करो। ओके सर। सर थर्ड का पाई होगा। यस सर। ओके। देन फोर्थ पाई अपॉन 120 upon 120 if सर 2π लास्ट का शायद। एनीथिंग एल्स? Any changes, anything? Okay. Cosec cube 3 theta. Cosec cube theta का कितना होता है? Period. लास्ट टाइम डिस्कस किए थे साइन स्क्वायर वाला 2π/3। कोसेक क्यूब का होगा 2π होगा। हाँ आज इट इज मतलब 2π होगा, तो कोसेक क्यूब 3 थीटा हो जाएगा 2π/3। सेक थीटा पावर 5 सॉरी 4 थीटा एज इट इज 5/2 2π/4। ओके और 5/2 इक्वल राइट। 10 क्यूब 2 थीटा 5/2 5/2 इसका एलसीएम, क्योंकि 81 का तो कुछ नहीं होता है, तो चाहो तो इसको 5/2 आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2π/5 एलसीएम 2π 2π अपॉन 1 3 2 1। ओके तो इस एक केस में आपका सम लेना पड़ेगा, व्हाट इज योर सम? 120 120 15 इनटू 6 ये दिस एंगल सारे नेपी तो 15 प्लस 16 बाय 15 इनटू 16 बाय 2 तो 120 थीटा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5/120। दिस वन यू कैन राइट 15/2 sin 2
ऐसा नहीं कि साइन का इंडिविजुअल पीरियड 2 पाई, इसका भी 2 पाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो कि 2 पाई ले लो, ऐसा नहीं। तो इसको सिंगल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया, अभी साइन 2 थीटा का ही पीरियड कर देंगे, कितना होगा 2 पाई बाय 2। सेकंड वन कोसेक 3 थीटा बाय 5 कितना होगा, देन 2 अपॉन क्या होगा 3 बाय 5 अंडर 10 बाय 3 पाई, पाई में बाहर निकाल देता हूं, देन cos स्क्वायर 3 थीटा कितना 5 बाय 3 पाई बाहर 1 बाय 3 sec 5 theta 2 by 5 so 2 10 LCM 10 pi upon AV1 right sir yes sir denominator mein 1 kaise le rahe ho ha denominator mein 1 kaise लास्ट टाइम नहीं थे क्या? हाँ सर। ये सर नो मतलब लास्ट टाइम नहीं थे कि नहीं थे? हाँ। था तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? मैंने फॉर्मूला दिया था हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस मतलब न्यूमेरेटर जितने टर्म्स उसका एलसीएम रखोगे, डिनोमिनेटर जितने आ रहा है उसका HCF रखोगे, LCM of numerators upon HCF of denominators, highest common factor और GCD, तो 3-2-2 उसका HCF, कोई common factor नहीं ना, वहाँ नहीं। Okay. Done? Yes sir. Excuse me sir, एक बार third वाला explain कीजिए ना। क्या हुआ third? क्या third वाला क्या हुआ problem क्या हुआ बताओ। सर मुझे नहीं समझा। ये सामने तो लिखा हुआ है क्या? 15 sin theta cos theta क्या होता है? अच्छा ओके गॉट इट सर, समझा उसको, समझा सर। मल्टीप्लिकेशन केस में आप ऐसा इंडिविजुअल ले नहीं पाओगे, आपको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
सर डन डन फर्स्ट वन पाई सेकंड टू पाई थर्ड वापस टू पाई फोर्थ सर बाकी के लास्ट तीन पाई है any changes Any changes? आपको ये मिला फर्स्ट वन राइट और क्योंकि साइन पावर इवन का पीरियड पाई होगा इसका भी पाई होगा एलसीएम पाई इसका टू पाई होता है ये पाई होता है एलसीएम टू पाई इसका इंडिविजुअली बोथ टू पाई राइट बाकी ये गलत कुछ डिसाइड करो क्यों गलत हो रहा है फोर्थ फिफ्थ क्यों गलत हुआ सर क्यों गलत हुआ दोनों पाई होना चाहिए ना एनी आइडिया नहीं सर दोनों तो पाई होगा ना इवन पावर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन कंस्टेंट फंक्शन का क्या पीरियड होता है सर कांस्टेंट का इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन किए थे मैं प्लस एक 181 कुछ रखा था उसको क्यों कंसीडर नहीं किए सर उनका पीरियड नहीं लेता कांस्टेंट फंक्शन बाय नेचर ग्राफ कैसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है अब बताओ ये लाइन कौन सा इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है This is the horizontal line. ये आपका x axis, ये आपका constant function, ठीक है? तो कौन सा interval में repeat कर रहा है? सबसे छोटा। आप बोल सकते हो ये interval में वो repeat कर रहा है। ये जितना दे रहा है, next उतना ही भी दे रहा है, next interval उतना दे रहा है। फिर कोई बोलेगा मैं इतना interval रखता हूँ, तो भी चलेगा। फिर कोई बोलेगा मैं इतना interval रखता हूँ, तो भी चलेगा। तो zero. तो zero. तो जीरो
मतलब टेंस टू जीरो आ रहा है तो दुनिया का कोई भी फंक्शन फिर पीरियडिक फंक्शन होगा, क्योंकि आप एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हो ना एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो, तो सबका पीरियड तो जीरो होगा, जीरो से तो और कम नहीं कुछ नहीं होगा। तो ये बताया था शायद कि नहीं बताया था, कांस्टेंट फंक्शन नहीं बताया तो लिखो कांस्टेंट फंक्शन इज द पीरियडिक फंक्शन, ये पीरियडिक क्योंकि ये जितना ये इंटरवल में जितना मतलब आ रहा है नेक्स्ट उतना इंटरवल में मतलब वही ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज द पीरियडिक फंक्शन बट नो फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, मेक इट नोट। कांस्टेंट फंक्शन constant function where periodic function hoga but no fundamental period, suppose f of x equal to k constant function, what is f of x plus t? If f of x equal to k, then f of x plus t क्या होगा? वही क्या होगा? Suppose f of x equal to 2x plus 3, तो x के जगह मैं कुछ चेंज करूंगा तो ये चेंज होता है, बट इधर आप x के जगह कुछ भी चेंज करो आपका कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x आंसर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो when f of x equal to k, then f of x plus t also k. इसका मतलब f of x plus t, you are getting f of x. तो periodic function का definition को satisfy कर रहा है. That's why it is periodic function. But fundamental period का जो concept था कि आपका सबसे least आना चाहिए. कौन सा least interval में वो repeat कर रहा है? That does not exist here. That's why constant function is periodic function, but no fundamental period. Right? So that's why this question has no period, no fundamental period. Period is there, but no fundamental period. Baki fourth one, kuch check karo, kyun pi maine galat bataya? तो इसको I'm taking this one as f of theta, ठीक है? Now take f of theta plus pi. अब बोल रहे कि पाई पर पीरियडिक होगा तो हम थीटा प्लस पाई चेक करेंगे तो वही फंक्शन देना चाहिए, तो रिप्लेस थीटा पाई प्लस थीटा क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा टू दी पर 36 प्लस कॉस पाई प्लस थीटा टू दी पर 36, ये होगा ना साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा पावर 36 sin theta power 36 plus sin theta cos pi plus theta cos pi plus theta kya hota hai minus cos theta again power 36 to plus ho jayega plus power 36 so this is f of theta r hai theek hai but main yahan पाई से कुछ कम दिखा दूंगा तो फिर पाई को आप बोलने को होगे फंडामेंटल पीरियड, ठीक है?
तो बिकॉज ऑफ सेम पावर मैं एफ ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पाई बाय टू पर वंस ही यूज पाई बाय टू देन साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा. तो बिकॉज ऑफ आपका क्या दिया गया, सेम पावर दिया गया, तो देयर इज अ चांस टू गेट इंटरचेंज. तो डालो ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस थीटा टू दी पावर 36, ठीक है, प्लस कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा टू दी पावर 36, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस पावर 36, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन थीटा टू दी पावर 36, मतलब साइन पावर 36 आ गया. अगेन सेम फंक्शन मिला. यस सर. तो इट इज अगेन एफ ऑफ थीटा. तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा इसका, पाई बाय टू, पाई बाय टू नॉट पाई, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड इज द लीस्ट पीरियड, सबसे छोटा. अच्छा सपोज पावर 37 होता दोनों का, विल यू गेट सेम फंक्शन? नो सर. नो सर, क्योंकि इधर माइनस आ जाएगा ना, ये प्लस होगा बट ये माइनस आ जाएगा, सो यू विल नॉट गेट सेम फंक्शन. ठीक है, तो ऑड पावर के लिए सेम नहीं आएगा, इवन पावर के लिए होगा. ठीक है, तो इसमें आपका मिलता है क्या, पाई बाय टू, पाई नहीं मिलता है. तो चाहो तो कुछ नोट इसके ऊपर नोट कर सकते हो, समझा ये. तो हियर एफ ऑफ पाई प्लस थीटा और थीटा प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ऑल्सो एफ ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू इज द एफ ऑफ थीटा. सो पीरियड हम पाई नहीं बोलेंगे, हम पाई बाय टू ही बोलेंगे सर. डन. रब करो. सर तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला है, इसका साइन पावर कोई तो और थीटा प्लस कॉस पावर कुछ तो और थीटा. जनरलाइज कर देता हूँ. और के लिए तो कोई प्रॉब्लम मतलब ये नहीं, साइन पावर 2n प्लस कॉस पावर 2m, ठीक है, इसका पीरियड होगा आपका पाई इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इफ m इक्वल टू n होगा देन आपका आंसर होगा पाई बाय टू, बट इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. इफ m इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 देन नो फंडामेंटल पीरियड. आप नोट कर सकते हैं, एम एन डिफरेंट रहेगा तो आपका आंसर पाई होगा. एम इक्वल टू एन होगा तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा बट वन नहीं होना चाहिए वो. एम इक्वल टू एन इक्वल टू वन होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देगा, दैट टाइम विल गेट नो फंडामेंटल पीरियड. बट इज नॉट इक्वल टू वन होगा तो आप साइन कॉस क्या हो जाता है, पाई बाय टू पर इंटरचेंज हो जाता है, साइन की जगह कॉस आ जाता है, कॉस की जगह साइन आ जाता है, तो पाई बाय टू होगा उसका फंडामेंटल पीरियड. डन. सर तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होगा ना, मतलब टू द पावर एन, उसका नो फंडामेंटल पीरियड. हाँ लेकिन अगर पावर में कुछ मल्टीपल हुआ तो टू का, हाँ तो मल्टीपल होगा तो फिर उसमें टेस्ट करेंगे,
दिस इज x स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोल रहे हो, इट इज माइनस वन, तो नो फंडामेंटल पीरियड. बट यहाँ पे मैं सेक पावर 32 दे रहा हूँ और ये आज इट इज, तो इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है, तो आंसर पाई होगा. सपोज ये पावर 23 दे दिया, तो इसका पीरियड ये 2 पाई होता है, ये पाई होता है, तो आंसर 2 पाई होगा. और इसमें 90 का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि इफ यू यूज 90 तो sec तो चेंज होगा, क्या है cosec में चेंज होगा, tan तो cot में चेंज होगा, तो ये फंक्शन तो देने वाला नहीं. sin cos में क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल में सेटिस्फाई करते, तो sec tan का कोई मतलब नहीं. सपोज ये दोनों पावर भी सेम दे दिया, क्या होगा, ये पाई बाय टू नहीं आएगा, दोनों इवन पावर सेम पावर देने के बाद ये पाई बाय टू नहीं होगा, क्योंकि पाई बाय टू में जब यूज करता हूँ ना, sec cosec में कन्वर्ट होता है, tan cot में कन्वर्ट होता है, तो आपको सेम फंक्शन दे नहीं पाएगा, इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं होता. तो ये केस में आपको इंडिविजुअल पाई पाई तो आंसर होगा पाई. समझा, आप डेफिनेशन को कम ये करो, व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड उसका डेफिनेशन को फॉलो करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो. आपको पाई बाय टू, इधर आपको पाई बाय टू लगा, इधर पाई बाय टू नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाई बाय टू यूज करेंगे तो फंक्शन दोनों पूरा चेंज हो जाता है. उसमें क्या था, साइन कॉस को चेंज कर रहा था, कॉस साइन को चेंज कर रहा था, इसलिए. हाँ, इफ इट इज sec पावर 32 प्लस cosec पावर 32 तब होगा, ये केस में होगा पाई बाय टू आंसर, क्योंकि ये दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, एक केस में पाई बाय टू होगा. इफ इट इज tan पावर 18 प्लस cot पावर 18 एक केस में भी पाई बाय टू होगा, क्योंकि एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं. बट इंडिविजुअल चेक करोगे तो इंडिविजुअल दोनों का पाई होता है, बट आंसर होगा पाई बाय टू. वो तो आप अपना दिमाग लगाओगे ना, हर चीज के लिए हम थोड़ी फॉर्मूला बना पाएंगे, कितना याद रखते हो. Find out the period. Mod sin theta का period क्या होता है? Pi. बस चलो इसी हिसाब से.
सर डन बता फर्स्ट वन पाई सेकंड पाई बाय टू थर्ड पाई फोर्थ सर फोर्थ और फिफ्थ का पाई एनीथिंग एल्स सर सेम आया मुझे भी सर फोर्थ और फिफ्थ समझा नहीं कैसे होगा फोर्थ फिफ्थ समझा नहीं बाकी तीनों समझ गया यस सर कैसे होगा fifth one round if you consider theta as mod of sin theta plus mod of cos theta what is f of theta plus phi sin pi plus theta इसका modulus plus cos pi plus theta mod sin pi plus theta minus sin theta modulus sin theta sin theta हाँ क्या होता है sin theta अच्छा इसी हिसाब से सब किए क्या तो माइनस साइन थीटा का मॉडुलस इज द साइन थीटा यही बोल के इतने बार हम मॉडुलस डिस्कस कर चुके हैं फिर आप लोग का शायद दूसरे ट्रैक में भी मॉडुलस हुआ होगा फिर भी आपको मॉडुलस अभी तक समझ में नहीं आ रहा है मैंने बताया था ये मॉडुलस आपको दो साल तक ऐसे ही करेगा ठीक से समझो नहीं तो आपका मॉडुलस नहीं होने वाला सर हमने शायद मॉडुलस नहीं किया क्या नहीं किया मैंने तो क्लास में बहुत बार बताया मॉडुलस के ऊपर तो हम पूरा एक घंटे के आसपास हम ये डिस्कस किए थे क्लास में नहीं सर नहीं किया था जब असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड हुआ था तब एक क्वेश्चन आया था मॉडुलस उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था आई थिंक असाइनमेंट वन और हर कहीं ना कहीं हर जगह हम मॉडुलस यूज कर रहे हैं और आप लोग का सेकंड ट्रैक में भी मॉडुलस चल रहा है वेविकर मेथड चल रहा है उसमें मॉडुलस है बिना मॉडुलस में मैथ्स नहीं हो ये तो मतलब 11th पर नहीं होता है 11th ऑनवर्ड्स और कुछ नहीं होता है आप लोग 9th 10th पे सीखे थे बट वो नंबर में सीखे थे अभी भी आप माइनस साइन थीटा का मॉडुलस साइन थीटा बोल रहे हो तो फिर नहीं होने वाला मॉडुलस आपको दो साल तक ऐसे ही परेशान करेगा और हर बार आप गलत मिस्टेक कर सपोज साइन थीटा को मैं माइनस हाफ ले रहा हूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इफ आई टेक साइन थीटा इज माइनस हाफ तो आपका अंदर का हो गया प्लस हाफ का मॉड आप बता रहे हो माइनस हाफ इज इट करेक्ट हाफ का मॉडुलस माइनस हाफ माइनस वन बाई टू No, sir. आपका क्यों माइनस साइन थीटा का मॉडुलस साइन थीटा आ रहा है
sir, mod sine theta. Yes, it is mod sine theta because you don't know about your sine theta. Minus x का mod जितना होता है, x का mod उतना होता है. Half का mod जितना होता है, minus half का mod उतना ही. Because you don't know about sine theta. जब तक आपको sine theta पता नहीं, तब तक आप पता नहीं पाओगे. Theta का value नहीं पता तब तक. हाँ, if you don't know theta value, you can't tell about your modulus. तो आपको दो part बनाना पड़ता है हर case में. Mod x is equal to, आपको ऐसे बनाना पड़ता है. Mod x equal to x. If x greater than equal to 0, it is minus x if x less than 0. ये करना पड़ता है और इसके ऊपर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं. तो x का मॉडुलस जितना होता है, माइनस x का मॉडुलस उतना ही होता है. तो अब माइनस sin theta का मॉडुलस sin theta नहीं होता. तो अब इसके जगह क्या लिखेंगे? साइन पाई प्लस थीटा का मॉड, दैट इज माइनस साइन थीटा मॉड. तो माइनस साइन थीटा का मॉड क्या लिखेंगे? मॉड हम पता नहीं तो हम साइन थीटा का मॉड लिखते हैं. ठीक है, तो दिस वन यू कैन राइट मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस पाई प्लस थीटा. तो सेम फंक्शन दिया तो पाई मॉडुलस, सॉरी पाई पीरियड, फंडामेंटल पीरियड होने का चांसेस है. बट मैं यहां से कुछ कम दिखा दूंगा तो फिर मेरा पीरियड पाई नहीं होगा. तो मैं टेस्ट कर रहा हूं थीटा प्लस पाई बाई टू, क्योंकि मेरा साइन कॉस इंटरचेंज होने का चांसेस है. जस्ट फाइंड आउट थीटा प्लस पाई बाई टू, तो क्या होगा? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का मॉड प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा का मॉड. साइन 90 प्लस थीटा, कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा, क्या हुआ सर? माइनस साइन थीटा, अभी मॉड में तो साइन थीटा. साइन 90 प्लस थीटा सर कॉस थीटा, सॉरी. यस सर, कॉस थीटा. कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा. तो फिर इसको आप मॉड ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन थीटा को मॉड ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो. सेम फंक्शन मिला. तो अब पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? फोर्थ केस में क्या हुआ? पाई बाई टू क्यों नहीं हुआ? पाई बाई टू यूज करेंगे तो ये क्या होगा? मॉड कॉस थीटा, ये हो जाएगा मॉड साइन थीटा. सेम फंक्शन दे रहा है क्या? नो सर, क्योंकि उसका नेगेटिव दे रहा है. ठीक है ना, सेम फंक्शन नहीं दे रहा है. दैट्स ए फोर्थ केस में पाई रहा, बट फिफ्थ केस में पाई बाय टू था, क्योंकि प्लस इधर प्लस था, इधर माइनस. ठीक है, जैसे स्क्वायर केस में हुआ ऐसे ही मॉड केस में हुआ. डन, समझाइए. यस सर. तो ये आप लोग का हो गया मॉडुलस. सॉरी मॉडुलस बोल रहा हूँ, फंडामेंटल पीरियड. नाउ कम टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. It is called extreme value or
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब कोई एक होगा चलेगा, ठीक है, इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों इधर दोनों निकालेंगे, मैक्स एंड मिनिमम, ठीक है। तो लेट एफ ऑफ थीटा इज द ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना चाहिए? सर डिफरेंशिएशन। कितने बार बता चुका हूं, कभी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आता है तो क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। तो आप कुछ भी करो, ट्रिको में यही होगा ही होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छोटी छोटी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? लेट दिस एंगल इज द अल्फा, दिस वन ए, दिस वन बी, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। यूजिंग ए बी एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू विल गेट वन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ दिस वन यू कैन राइट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी आर कॉन्स्टेंट ना, तो ये लिखोगे आप साइन थीटा, ये क्या होगा यूजिंग ट्रायंगल कॉस अल्फा, अल्फा प्लस कॉस थीटा, ये साइन अल्फा। नहीं, आप इसको इंटरचेंज करोगे, ये बी करोगे, ये ए करोगे, तो ये होगा साइन, ये साइन अल्फा होगा, ये कॉस अल्फा होगा। तो साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा, अगेन यू विल गेट कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए केस में आपको मिल रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी, एनी हाउ जो भी मिलेगा आपको साइन कॉस में तो कोई एक तो मिलेगा, विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस अल्फा। आज इट इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो कौन चेंज हो रहा है? थीटा, थीटा चेंज हो रहा है। ए बी अल्फा आपके लिए कॉन्स्टेंट, क्योंकि ए बी दिया गया, अल्फा भी फिक्स हो जाएगा, तो अल्फा वैल्यू कॉन्स्टेंट, ए बी कॉन्स्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, ठीक है, दैट रिमेन फिक्स्ड। जो कुछ चेंज होगा इसमें ही चेंज होगा, मतलब टोटल साइन थीटा प्लस अल्फा चेंज होगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, अल्फा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू क्लियरली पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट वैल्यू, और ये जब इसका मैक्सिमम मिनिमम होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? One. कोई भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस। तो ये जब सबसे छोटा देगा, ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम, और ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम। हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा क्या होगा? जब ये माइनस होगा, माइनस वन होगा, यू विल गेट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, बराबर। तो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं?
कोई फंक्शन का मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं उसको, रेंज और रेंज ऑफ f ऑफ x प्लस b cos थीटा इज व्हाट, ये आपका मतलब मैं सेट फॉर्मेट पे रखूंगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो क्लोज, क्योंकि ये इक्वल साइन दे रहा है तो आपको क्लोज ब्रैकेट मिलेगा, समझाइए। राइट डाउन डन, समझाइए। यस सर। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, बट जहां पे दोनों मिलेगा बोथ यू हैव टू टेल, जहां पे एक मिलता है एक ही होता है बोलना पड़ता है, बट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फॉर्मेट रहेगा तो दोनों मिलता है। ओके, तो पहले वो दे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कर देता हूँ।
फाइंड आउट
देन क्या हुआ सर? 2 मिनट सर, हो गया। फर्स्ट वन 5 माइनस 5 माइनस 5 से 5 आप रेंज के हिसाब से बताओ। सेकंड 2 to 28 थर्ड 3 to 37
31 by -31 by 2 to 31 by 2 -14 to 16 -14 to 16 +16 0 to 2 Any changes? So last one nahi aaya. Okay. Sir last two nahi aaya. Last nahi aaya. Last ke two. Change karna chahoge? Whether you want to change your last answer or did not get anything. I'm not getting last. Did not get anything. फर्स्ट वन सबको मिला यस सर यस सर सेकंड सबको मिला यस सर देखो इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है 15 का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है तो ये जो मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम ये जो मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम इसका मिनिमम वैल्यू -13 मैक्सिमम वैल्यू +13 तो इसमें +15 कर देंगे ठीक है -13 + 15 2 + 13 + 15 28 लाइक दैट 15 इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप माइनस कॉमन रखोगे तो ये रहेगा ठीक है इसका मिनिमम होता है -17 मैक्सिमम होता है +17 तो ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम क्योंकि माइनस मैंने कॉमन रखा ये जितना छोटा होगा टोटल बड़ा हो जाएगा और ये जितना बड़ा होगा टोटल छोटा होगा तो 20 -17 इन द मिनिमम 20 -17 मतलब +17 दैट इज मैक्सिमम लाइक दैट इसका माइनस करेंगे तो ये रहेगा -25 to +25 तो 51 -25 51 -25 करेंगे तो मिनिमम रहेगा 51 + 25 करेंगे तो मैक्स अगेन दिस वन यू कैन राइट 31 by 2 sin 2θ सिंगल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करोगे आइदर आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा करोगे नहीं तो सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये मैंने सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया 31 by 2 sin 2θ किया अब sin 2θ का इंडिविजुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम रहता है -1 डालेंगे तो मिनिमम रहेगा +1 डालेंगे तो मैक्सिमम रहेगा 1 to 6 सबको समझ में आया यस सर यस सर 1 2 3 4 मैंने छोड़ दिया अच्छा ठीक है इट इज नॉट 7% एक्चुअली यहां तक मैं डाउट करता हूं बाकी ये अब चाहो तो cos 2 थीटा को ब्रेक कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos क्या होता है cos square थीटा माइनस sin square थीटा cos square थीटा माइनस sin square थीटा तो यू कैन राइट 9 sin square theta + 3 तो 12 sin square theta देन 11 cos square theta माइनस 3 cos square theta, that is 8 cos square theta +4. Again, 12 sin square theta को you can make 8 sin square theta +4 sin square theta. अब ये दोनों का सम कितना होगा? +-8. +-8 होगा. फिर उसका मैक्सिमम 8 होगा और मिनिमम 8 होगा -8 ऐसा कैसे सर +8 8 sin square theta plus 8 cos square theta क्या होता है सर 8 होता है 8 plus minus 8 कैसे मिला सर सिर्फ +8
ये 8 प्लस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 12 हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा का अब सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या होता है? माइनस वन. सिर्फ वन होगा, स्क्वायर कट रहा है. साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोई भी, वो भी हम पहले भी डिस्कस किए थे. सपोज x इक्वल टू 2 से लेके 8, x स्क्वायर का सम, सॉरी x स्क्वायर का रेंज कितना होगा? x स्क्वायर कहां से कहां तक रहेगा? 4 टू 64. x स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 4 टू 64. सपोज x लाइज इन बिटवीन माइनस 2 टू 8, x स्क्वायर क्या होगा? 4 to 64. माइनस 2 to 8 के अंदर माइनस 1 इज देयर. सर 0 to 64. नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो आपका 0 पास करेगा ही करेगा. तो कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है. इसका नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव को क्रॉस नहीं किया था, ये 2 से ही स्टार्ट हुआ था. तो स्क्वायर करेंगे तो वो 2 के स्क्वायर से आगे जाएगा, बट ये 0 को क्रॉस कर चुका है. माइनस 2 टू 8 मतलब ये 0 को पास करके जा रहा है. तो जब स्क्वायर करेंगे 0 इज द मिनिमम मस्ट. तो एक्स स्क्वायर रहेगा कहां से कहां तक? 0 to 64. Suppose minus 8 less than equal to x less than equal to x square का range कितना होगा? 0 to 64. 0 to 4 थोड़ी होगा इसमें. minus minus 7 तो ले सकते हैं मैं. Can I take minus 7 or not for this case? Minus 8 भी ले सकता हूँ. माइनस 7.4 भी ले सकता हूँ. तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 64 के अंदर होगा. इट इज अगेन 0 टू 64. कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है स्क्वायर करने के टाइम पर क्या होता है? 0 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या होगा? दोनों का स्क्वायर करो जो सबसे बड़ा रहेगा. माइनस 8 टू माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 to 64. सर 4 to 64. 4 to 64. 0 कब आएगा बेटा? For what value of x you will get x square 0? Positive. For what value of x you will get x square as 0? 0 when x equal 0 होता है, x square 0 होता है ना? इधर आपका जीरो है क्या? तो देखो इनफैक्ट स्क्वायर भी आपको करना नहीं आता है. ये सब आपको स्कूल लेवल में करके आना चाहिए था. दोनों पॉजिटिव स्क्वायर करो, दोनों नेगेटिव स्क्वायर करो, बट इनइक्वालिटी को चेंज करो. क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू छोटा होगा. तो स्क्वायर करो बट इनइक्वालिटी को चेंज करो, मतलब लेस के जगह ये ग्रेटर हो जाएगा. तो ये 64 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 टू 64 मिला. नेगेटिव टू पॉजिटिव 0 इज द मिनिमम, मैक्सिमम दोनों का स्क्वायर करो जो बड़ा रहेगा दैट इज योर मैक्सिमम. अब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये तो सिंगल फंक्शन में है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैं जब 0 डालूंगा सो sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. तो मिनिमम होगा 12, मैक्सिमम क्या होगा? 16.
समझा? यस सर। यस सर। एट लास्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वन। सर उसका आंसर भी रॉन्ग है। वन वन टू टू है। वन टू टू बेटा टू कब देगा? इसका आंसर कब टू होता है? नहीं सर रॉन्ग किया मैंने। जब दोनों वन होगा, दोनों का आप मैक्सिमम लिए, दोनों वन होगा, बट ये जो थीटा ये वही थीटा। जब साइन आपका वन देता है, कॉस क्या देता है? जब साइन वन होता है कॉस आपको क्या देता है? जीरो। जीरो। तो ये दोनों वन कभी भी हो नहीं पाएगा, तो टू आने का चांस ही नहीं। तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, आपको इसको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटर इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं सीधा सीधा कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बट कॉस को मैं साइन करूंगा तो ये क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप कर दोगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू फोर, नॉट स्क्वायर था ये फोर था, ठीक है? तो ये आपका जो मिला क्वाड्रेटिक ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मिला। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। ये टर्म में मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा सो दैट ये पार्ट मुझे कंप्लीट स्क्वायर देगा, परफेक्ट स्क्वायर देगा। परफेक्ट स्क्वायर आप लोग करके आ चुके हो स्कूल में। अब बताइए व्हाट यू हैव टू ऐड, मुझे कुछ एक प्लस कंस्टेंट माइनस कंस्टेंट करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू टेक के वैल्यू सो दैट यू विल गेट दिस टर्म आज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसा स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। इधर a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, k की जगह क्या रखोगे सो दैट यू गेट वन परफेक्ट स्क्वायर? वन बाय फोर। वेरी गुड। तो यूज k एज 1 बाय 4। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 बाय 4, मैंने 1 बाय 4 ऐड किया सब्ट्रैक्ट, बराबर? अब ये किसका होल स्क्वायर दिया? ये किसका होल स्क्वायर हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर ही है, क्या बात है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय टू। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय फोर। अब इसका रेंज मुझे, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका रेंज मुझे ढूंढना है। cos square theta का रेंज कितना होता है? 0 to 1। 0 to 1। तो cos square theta minus half, minus half take both the sides, मतलब cos square theta minus half lies in between minus half से half plus half, बराबर?
अब स्क्वायर का रेंज कितना होगा? हाफ से 1/4 0 टू 1/4 अभी अभी किए फिर भी नहीं बन पा रहा है, जीरो से लेके क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव तो जीरो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम दोनों का स्क्वायर करो जो बड़ा रहेगा, हालांकि दोनों का स्क्वायर सेम आ रहा है दैट्स व्हाई 1/4। तो मैं जीरो इज द मिनिमम वैल्यू, 1/4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम डालूंगा तो मुझे मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम डालूंगा तो मैक्सिमम मिलेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू नाउ? 0 प्लस 3/4 दैट इज 3/4। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 1 यस 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। तो इसका जो रेंज रहा दैट इज 3/4 से लेके 1 तक। समझा? यस सर। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा लेके थीटा इज इक्वल टू 45 पे या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो वो तरीका चलेगा? जैसे इस क्वेश्चन में 45 पे 3/4 मिलेगा अपने को, होता है व्हेन एंगल्स आर इक्वल होता है वो टाइम पर होता है, मतलब कॉस साइन दिया जाता है तो मतलब व्हेनेवर कॉस इक्वल टू साइन होगा तब आपको एक वैल्यू मिलता है, इधर साइन सॉरी इधर मैक्सिमम और मिनिमम कोई एक तो मिलता है। डन। क्या करो? यस सर। उसका मैक्सिमम मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्ड का मैक्स मिनिमम में
मिनिमम ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, बाकी 1 2 4 बोथ मैक्स एंड मिनिमम। सर सेकंड क्वेश्चन में cos का पावर क्या है? cos पावर 6, sin पावर 6, cos पावर 6, फर्स्ट का दोनों पावर 4, थर्ड का पावर 20 sin में, cos में 34, फोर डिफरेंट, फिफ्थ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम है। ओके सर, फर्स्ट का माइनस वन से जीरो होगा।
हो गया। सर सिर्फ फोर्थ वाला नहीं आया। व्हाट इज द फर्स्ट वन? 0 to 1। सर हाफ टू वन। हाँ सर हाफ टू वन। बेटा जीरो कब आया? दोनों कब जीरो, सॉरी जीरो कब होगा आंसर? दोनों का पावर इवन, कब दोनों जीरो होगा? सॉरी कब जीरो, टोटल आंसर कब जीरो होगा? जब इंडिविजुअली दोनों जीरो होगा। इंडिविजुअली दोनों जीरो हो सकते क्या? सेकंड वन बाय फोर टू वन, वन बाय फोर, वन बाय फोर टू वन वन। सर थ्री बाय फोर टू वन। थर्ड सर वन, फोर्थ फिफ्थ
साइन रेस टू फोर प्लस कॉस रेस टू फोर को क्या लिखते हैं? माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं सिंगल फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, क्या करेंगे? स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट टू करेंगे, टू को फोर कर देता हूँ, क्या स्क्वायर कॉमन, फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, दिस इज साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा बाय टू, ठीक है। साइन स्क्वायर टू थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या है? क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट, साइन स्क्वायर टू थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना? 0 to 1. 0 to 1. तो 0 डालेंगे तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, मिनिमम वैल्यू जब 1 डालेंगे इक्वल टू हाफ, तो आंसर इज द हाफ टू 1. साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 को क्या लिखोगे? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन सेम फॉर्मेट, यहाँ पे 4 2 की जगह 3 आ गया, तो एक 4 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, अगेन दिस इज 1 माइनस 3 बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, वन सेकेंड, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, तो मिनिमम वैल्यू होगा 1 माइनस 3 बाय 4 1 बाय 4, मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, मतलब 1 बाय 4 से लेके 1, राइट। अच्छा, बोथ द केसेस व्हेनेवर पावर इवन, आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगा। लॉजिक इसका बताता हूं, व्हाई मैक्सिमम वैल्यू इज द 1, साइन का मैं जितना पावर बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि बढ़ता जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का कोई भी पावर में बढ़ाता जाऊंगा वैल्यू कम होगा कि बढ़ता जाएगा? कम होगा सर, 1 चेंज नहीं होगा, 0 चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू 1, प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं जितना पावर बढ़ाऊंगा अब आपका वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो कैन आई राइट साइन रेस टू 20 थीटा लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर पावर मैंने 20 रखा, तो 20 पावर जब 20 होगा तो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। सिमिलरली कॉस पावर 34 थीटा आल्सो लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ऑडिट दिस टू, दिस इज योर क्वेश्चन, आंसर इज द वन, तो मेक इट नोट, साइन पावर इवन प्लस कॉस पावर इवन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। मैंने इवन रखा सेफ साइड के लिए, ऑड के लिए भी होगा ऐसा कुछ नहीं है, बट इवन रखा क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए ऑड नहीं रखा, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। क्या कर रहे हो? रूट टू, रूट टू, क्योंकि ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दे दिया 1 और 1, तो इसका रूट टू विच इज मोर देन 1 होता है, सिर्फ एक केस में मोर देन 1 आ रहा है, इसलिए मैंने इवन पावर को रखा, बट साइन क्यूब रखोगे भी 1 से कम होगा ऐसा नहीं होगा, बट सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रखोगे तो रूट टू होता है मैक्सिमम। अब फोर्थ, माइनस 20 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 से लेके माइनस 7 माइनस 20 माइनस
थ्री रूट थ्री बाई टू थ्री रूट थ्री बाई टू होल बाई टू होल अच्छा माइनस ट्वेंटी माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू ओके माइनस सेवन बाई टू मैक्सिमम वैल्यू सेवन बाई टू ए माइनस सेवन बाई टू ओके नहीं एनीथिंग एल्स फोर्थ वन आई थिंक आप एक्सपांड करने के टाइम पर गलत किए इसको एक्सपांड करो साइन कॉस ए प्लस बी डालो कितना होगा थ्री कॉस ए कॉस बी कॉस 60 मतलब हाफ माइनस साइन थीटा एंड देन रूट थ्री बाई टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस टेन तो ये फाइव कॉस थीटा ये थ्री बाई टू कॉस थीटा तो टोटल हो गया आपका थर्टीन बाई टू कॉस थीटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री रूट थ्री बाई टू साइन थीटा माइनस टेन अब ये आपको दे दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा तो इसका स्क्वायर 13 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर रूट ओवर कितना आएगा 13 स्क्वायर 169 प्लस 27 बाय 4 रूट ओवर व्हिच इज 196 बाय 4 49 का रूट ओवर 7 सो मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस सेवन माइनस टेन दैट इज माइनस थ्री मिनिमम वैल्यू होगा माइनस सेवन माइनस टेन माइनस है तो आपका आंसर होगा माइनस सेवनटीन से लेके माइनस थ्री समझाइए कि नहीं ऐसा नहीं कि ये a sin theta plus b cos theta नहीं है आपको कन्वर्ट करना a sin theta plus b cos theta है ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए देन ओनली यू कैन यूज योर फार्मूला इसलिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया cos a minus a plus b डाला cos a cos b minus sin a sin b इसके बाद 3 मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 3 cos theta by 3 by 2 cos theta ये 5 cos theta ये दोनों कंबाइन होके 13 by 2 cos theta होगा अगेन माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू साइन थीटा माइनस टेन डन दिस वन डू यू नो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम नहीं ना इफ यू डोंट नो मेक इट होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करो परफेक्ट स्क्वायर करो तो कैन आई राइट दिस इज थ्री टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस थ्री सॉरी टू इंटू थ्री टेन थीटा इंटू टू कॉट थीटा मैं ट्राई कर रहा हूं कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर डालने के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्चुअली ये कितना दिया ये मेरे पास नहीं था ये कितना दिया 12 तो मैंने माइनस 12 किया प्लस 12 करो सो दैट ये दोनों बैलेंस हो जाएगा ये इसका वैल्यू ये इसका ये मैंने खुद मैनिपुलेट किया अब ये कितना दे रहा है 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 12 कंप्लीट स्क्वायर ये नेगेटिव आ सकता है ये वैल्यू नेगेटिव हो सकता है कि नहीं सर पूरा ब्रैकेट नहीं होगा नेगेटिव
क्यों नहीं होगा? तो स्क्वायर हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं, ये इनसाइड में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना? यस सर, क्योंकि टैन नेगेटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव, मतलब ये टोटल पॉजिटिव होगा, मतलब सॉरी ये पार्ट पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कुछ भी हो सकता है, मिनिमम जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जा रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, प्लस 12, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सो मिनिमम वैल्यू होगा। अच्छा, मैंने प्लस क्यों नहीं किया? ये प्लस करके माइनस 12 भी कर सकते थे, तो वो टाइम पर आपको माइनस 12 दिखता था, ये क्यों नहीं किया? जब प्लस करोगे ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आएगा, इधर पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, और कुछ नहीं होगा ए वैल्यू, क्योंकि टैन एंड कॉट का बोथ सेम साइन होता है, टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ओ टाइम पर नहीं आ पाएगा, नहीं ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, इधर ऑलवेज पॉजिटिव होगा नहीं तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आएगा, सो जीरो वो टाइम पर आप ले नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस किया, तो ये प्लस करना पड़ा, और अगेन माइनस कोई भी स्क्वायर का सम मिनिमम वैल्यू तो माइनस नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, वो केस में भी क्या आता है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12, इज इट पॉसिबल? नो सर, कोई स्क्वायर सम ऑफ टू स्क्वायर्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, ऐसा होता है क्या? नो सर, नहीं होता है, तो 12 इज द मिनिमम, समझाइए? यस सर। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट रहेगा तो हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करते हैं, अदरवाइज मेनी मेथड्स आर देयर, डेरिवेटिव मेथड होता है आपका, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm जो आगे हम पढ़ने वाले वो भी यूज होता है, कभी कंप्लीट मतलब परफेक्ट स्क्वायर किया जाता है, ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पता है एंड हम पढ़े कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, असाइनमेंट 8 इज योर होमवर्क, राइट? कैन आई एंड? सर कौन सा बोला? असाइनमेंट 8 इज 7 हो गया ना, असाइनमेंट 7 दिया था कि नहीं सर, लास्ट टाइम क्या असाइनमेंट था? 8 था, 7 7, तो एक्चुअली 8 9 मैंने दोनों डाल देता हूँ, आप दोनों करो, ठीक है? ओके सर, चलो बाय, टाइम देता हूँ।